हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? सभी को हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। आप सभी को हैप्पी दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। आज मैं दीपावली के शुभ अवसर पर परमल की मिठाई बनाने जा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं परमल की मिठाई। सबसे पहले हम परमल को धो लेंगे और इन्हें पीलर से छील लेंगे। हमने सभी परमल छील लिए हैं और इनके ये साइड से थोड़े थोड़े बस ये निकाल देंगे, जिससे हमारे परमल अच्छे से बॉइल हो जाए। हमारे सभी परमल अच्छे से चूने में बन चुके हैं, सही हो चुके हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे और इन्हें हम अच्छे से साफ पानी से दो तीन बार अच्छे से धोएंगे, रगड़ रगड़ के, जिससे चूना इनमें बिल्कुल भी ना रहे। अब हम इसके कट कर लेंगे, ये इस तरह से परमल कट गए हैं। अब इनके बीच से हम फोक की सहायता से इस बीज को ऐसे निकाल लेंगे। ये हमारे परमल कट गए हैं, अब ये फोक की हेल्प से इसको हम निकाल लेंगे। इसके बीज को बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमारे परमल टाइट हो गए हैं। हमारे सभी परमल में से बीज निकाल दिए। अब इसे हमने गर्म पानी रख दिया था बंद करने, और अब इसमें हम ये परमल डाल देंगे। हमें सिर्फ 10 से 15 मिनट इन्हें बॉईल करना है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं बॉईल करना है। गाइस, ये हमारे परमल पक चुके हैं और हमने एक तरफ चाशनी बनने रख दी है, जो एक कटोरी चीनी ली है और हमने उसमें थोड़ा सा पानी डाल के एक तार की चाशनी बना लेंगे। हमारे परमल चाशनी में रेडी हो चुके हैं, तब तक हम अब स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए हम ये खोया लेंगे और इसमें हम शुगर पाउडर डालेंगे, जो हमने चीनी से बनाया है, इसे हमने पीस लिया है। इलायची डाल के ये हमने आधा कप चीनी ली है और ये हमने आधा कप मिल्क पाउडर लिया है और ये हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू, बादाम, पिस्ता। अब इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है, अब हम इसे परमल में स्टफ करते हैं। देखिए हाथ से कर रहे हैं, हाथ से जल्दी से हो जाएगा और अच्छे से फील होगा। अब इस पे नट्स लगा देंगे। ये हमारा परमल रेडी हो गया। इस तरह से हम सभी को स्टफ कर लेंगे। फटाफट से हो जाता है। गाइस, हमारी परमल की मिठाई रेडी हो गई है। ये बहुत टेस्टी बनी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे बनी, और इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़।